नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला यहां पर आयोजित है, चल रही है अभी, और इसमें भोपाल शहर से हटके आसपास के क्षेत्रों से 20 क्षेत्रों से छायाकारों को आमंत्रित किया गया है और वो यहां पर आ चुके हैं और वो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो आपको पहले और अब की फोटोग्राफी में क्या समृद्धता दिखती है, क्या बदलाव आया है? पहले टेक्निक कम थी, मेहनत ज़्यादा थी। आज मेहनत कम है, टेक्निक ज़्यादा है, किंतु दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। यदि दिमाग का उपयोग करता है तो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट हैं। अब यहाँ हमारे कार्यशाला में गोडोक्स की 8.5 लाख रुपए की लाइट आई है, वो हमें वैसे नहीं मिलती देखने को, यहाँ पर उपलब्ध कराई है छायाकारों के लिए। तो जो टेक्निक है, उस टेक्निक का उपयोग यदि छायाकार सभी करते हैं तो उसका उनको और अच्छा फायदा मिलेगा। प्रशिक्षण में आज क्या क्या सिखाया जाएगा फोटोग्राफर्स को? प्रशिक्षण में आज एडिटिंग की क्लास चल रही है, वीडियोग्राफी चल रही है, और लाइटिंग का और फोटो का जो सोर्स है सिनेमेटोग्राफी, उसके बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नाम बता दीजिए। पंडित प्रदीप पुरोहित, छायाकार संघ अध्यक्ष। को वर्ल्ड फोटोग्राफी की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। आज हमारा वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और उसी तर्ज पे हम लोग भी आज भोपाल में इकट्ठे हुए हैं और उसको मना रहे हैं। और इसकी एक नई पहल की है जिसमें हम हमारे फोटोग्राफर साथियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि सरकार हमारे फोटोग्राफर भाइयों पर कभी ध्यान नहीं दे पाती है। तो हमने, हमारी समिति ने योजना बनाई कि हम अपने साथियों को आगे बढ़ाएँ, किसी न किसी वजह से उनको कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर पहुँचाएँ। आज हमारा उद्देश्य है कि हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, एक सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन भरण पोषण के लिए कभी सरकारी काम करना हो या किसी नौकरी में हमको खड़े होना हो तो हम उसका इस्तेमाल करके अपना काम कर सकें। अभी इस समय एक आंसर शुड बी फनी, ठीक है? तो जो लेडीज होती है उनके गले में मंगलसूत्र से हम पहचान लेते हैं कि वो मैरिड है। अब जो जेंट्स लोग हैं उनको हम कैसे पहचाने कि वो शादीशुदा हैं? और ये जवाब जो है फनी फनी होना चाहिए, राइट? तो सर कौन देना चाहेगा? जिसके सकल पे 12 बजे होंगे वही होगा। कि हाथ में मोबाइल होना जरूरी है? हाँ, शादी की बता रहा हूँ मैं जी। शादीशुदा इंसान जो होता, मतलब आदमी जो होता है, वो परेशान दिखता है भाई। सर का ये कहना है कि शादीशुदा इंसान परेशान दिखता है, और कोई क्रिएटिव आंसर सर आप बताइए। परेशानी कुछ भी रहता है, शादीशुदा साथ ही बैठी है। शादीशुदा आदमी की कौन ज्यादा बड़ी दिखती है भैया? तो साथ में चलते जवाब ही ना करते, दूसरा जवाब बता पड़े सर। शादीशुदा जेंट्स लोगों की क्या निशानी होती है? फनी फनी जवाब होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप भी गुलाम हो गए? अच्छा, निगरानी करने के लिए है ना ये सैटेलाइट, सही है ना? ओके, और कोई हमारे फोटोग्राफर हैं जो खेला जरूर हाथ में लेता है घर जाते रहे? वेरी नाइस। अरे मुझे इससे एक पोएट्री सी याद आ रही है, हस्बैंड ने लिखा फेसबुक पे, लिखा कि पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। तो उस पोस्ट के नीचे उनकी वाइफ ने लिख दी, वाइफ ने लिखा कि जब घर लौटो तो सब्जी तरकारी लेते आना अपने चमन में, नहीं तो बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन पे। आई सर, कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं सर, बहुत घबराए। ये खुश है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी मजबूरी में कहना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार सुनना ताले बजा दीजिए एवरीबॉडी। ये इज द लकी पर्सन जिनको बहुत बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है। और चलिए एक और बहुत प्यारी सी बात मैं कहना चाहूंगी। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने एक
इरशाद वाहवा कहते हैं, राइट। तो शायरी चलेगी और शायरी के बीच बीच में आपको वाहवा कहना होगा, है ना, वाहवा अच्छी आनी चाहिए। हर कहना है फिर वाह वाह डालो। तो डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठे हैं, फरमाते हैं ये आदमी नहीं था जिसको मारते चार बार, ये भी आदमी जिसको बार बार मारते। ओके, तो डॉक्टर साहब सुनाते हैं अपने शायराना अंदाज में कि दिल बहला कर मोहब्बत को न धमाल करे, अजी बाबा हो जाए, कि दिल बहला कर मोहब्बत को न धमाल करे और दवाई की शीशी अच्छी तरह मिलाकर इस्तेमाल करे। आगे डॉक्टर साहब ने अर्ज किया कि दिल मेरा टूट गया जब उठी इसकी डोली और सुबह दोपहर शाम बस एक एक गोली। और आगे डॉक्टर अर्ज करते हैं कि चले भी आओ कि मोहब्बत का सुरूर चखें और तमाम दवाइयां बच्चों की बहुत से दूर रखें। एंड लास्ट में डॉक्टर साहब बोलते हैं कि दिल मेरा प्यार करने को रजामंद रहेगा और इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा। ओके फरहाद, जो भी लिखना है भाई धीरे धीरे टाइप करना, तू छोटा कर दे, मैं बोलता हूँ जैसे लिखो, RISHI लिखो धीरे धीरे, बस वही करना, RI ध्यान से देखो, RISHI। ऋषि के कितने ऑप्शन है आ गए, अब आपका कौन सा स्पेलिंग सही है सेलेक्ट कर लो, बस नाम बदली हो गया। नीचे टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट लग गया, नीचे अलाइनमेंट हो गया, फॉन्ट का डिजाइन बदली करना है, टेम्पलेट बदली करना है, बस जो नाम बदली करने में टाइम लगने वाला है वो हो गया, यानी आपके बंदे को हिंदी आए या ना आए काम हो जाएगा। प्ले करके दिखाओ। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।